हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में निबंध लिखेंगे मकर संक्रांति पर। बहुत ही सुंदर और आसान निबंध हिंदी में। भारत में हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य उत्तरायण पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान सूर्य की उपासना का दिन है। इस दिन नदियों में स्नान, दान और सूर्य देव की आराधना प्रार्थना करते हैं। मकर संक्रांति दो शब्दों मकर और संक्रांति से बना है। मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। जब सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन होता है तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर आकाश में पतंगों का उड़ाना, घर सब सुबह स्नान करके दान धर्म के उपक्रम चलते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में इसे संक्रांति कहते हैं। यह सूर्य की उपासना का पर्व है। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जो एक मौसमी पर्व है। किसानों के लिए यह उत्साह और उल्लास का अवसर है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह पर्व और यह समय पूरी तरह कुदरत को समर्पित है। इसे आप कुदरत के प्रति आभार व्यक्त करने का त्यौहार मान सकते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर हम आम दिनों से हटकर कुछ अलग खाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में इस दिन दान करने का पुराना रिवाज है। तो हम लोग एक छोटा सा निबंध। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉट चैनल। आगे विस्तार का वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।